मैं एस एम श्रीवास्तव उर्फ शिशु मानव प्रतिनिधि वॉलंटियर पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की तरफ से हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से एक अनुरोध करना चाहूँगा। जल्द ही विश्वकर्मा पूजा और मुहर्रम का पाक पर्व आने वाला है, समय नज़दीक है। जैसा कि हमारे कायस्थ भाई जानते हैं कि हमारा समाज जात और धर्म की दीवारों में कभी नहीं बटा। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी जातियों में मिलजुल के रहते हैं। हमारी राष्ट्र में अपनी एक अलग पहचान है। हम राष्ट्रवादी माने जाते हैं, देशभक्त माने जाते हैं। अभी तक कभी भी किसी भी कायस्थ पे कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा, गद्दारी का, भ्रष्टाचारी का, मक्कारी का और बवाल करने का। हम समाज में शांति प्रिय व्यक्ति हैं और सबके साथ मिलजुल के हर एक के सुख दुख में खड़े होके जीना हमें आता है। तो इस अवसर पे मैं आप सभी से अपील करता हूँ, सभी भाइयों से कृपया ध्यान से सुने। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हिंदू समाज में अनेक पर्व हैं, अनेक त्यौहार हैं। मुस्लिम भाइयों के लिए गिने चुने पर्व वर्ष भर में आते हैं, ईद, बकरीद, मुहर्रम, शबेरात। तो मुहर्रम जल्द आने वाला है और हम आप सभी सब भाइयों से, बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से यह अनुरोध करते हैं, ख़ास तौर से अपने समाज के लोगों से, कि हम मुहर्रम के अवसर पे मुस्लिम भाइयों के जो जुलूस निकलते हैं, हम उसका सम्मान करें और किसी भी तरह का उसमें अपनी संकीर्ण मानसिकता या किसी अपनी छोटी मोटी बातों को देखते हुए विघ्न न डालें, पूरा सहयोग करें। कायस्थ इसीलिए जाना जाता है कि यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ मिलजुल के रहता है और हम कभी भी जात धर्म की दीवारों में नहीं बंटते हैं। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जात और धर्म बाद में आते हैं। ये हमारे सिर्फ पूजा स्थलों तक ही सीमित होते हैं। हम इनके चलते ना किसी का खून बहाते हैं, ना किसी से बवाल करते हैं, ना हम समाज में जहर फैलाते हैं। हम हमेशा यही संदेश देते हैं, आपस में मिलजुल के भाईचारे के साथ रहो, देश में अमन चैन रहे, खुशहाली रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस त्यौहार को कायदे से, शांत प्रिय तरीके से, अमन भाईचारे की भावना के साथ मनाएंगे। बस।